फिर भी निकल आया थोड़ा साइड पर उधर, और इंशाल्लाह ये मैं खोलूंगा तो इसके अंदर से गरम, इसके अंदर से सिंगल फॉर और शिंगर कुश्ता भी निकलेगा। लाल जंतर मशीन के जरिए जो इन्होंने तेल निकाला है, ये देख ले शहरों के अंदर ये बड़ी आसानी से निकल सकता है, गाँव में चलो थोड़ा पीछे हो जाए शहरों में ये मुयसर नहीं होती तो कितने साफ सुथरे। इसके अंदर इसमें एट अ टाइम तीन प्रोडक्ट बने हैं, ये एक आयल में एक आयल और दो कुश्ते, ये दो कुश्ते और एक आयल बनना सिर्फ आयल था, लेकिन पूरी अजला में कुश्ते भी तैयार हो जाते हैं। हेलो हेलो माइक चेक करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से वो तैयार हो चुका है जो सब साथियों को दिखाने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। उसके लिए मैं अपने मीडिया वाले दोस्तों को भी कहूँगा कि इसकी करीब से फुटेज ले लें ताकि सब दोस्तों को आसानी से दिखाया जा सके। ये है जी, ये वाइट कलर की टिक्की फूल कर बिल्कुल शगुफ्ता हो चुका है और ये बेज़रर हो चुका है, इसकी चमक ख़त्म हो गई है और ये बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हो चुका है और एक ही आंच में, इसके सामने एक ही आंच में है और सब दोस्तों के सामने दी है और सबके सामने खोला है। अब वो बातें चली गई हैं जब लोग कहते थे कि हीरे को कुश्ता करने के लिए 40 साल दरकार है और 40 साल जंगलों में घूमना पड़ेगा और 500 उसको आग में बजाओ दिए जाएंगे और 100 आग से नीचे हीरा तैयार नहीं होता। वो बातें अब ख़त्म हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तिब ने इतनी तरक्की कर ली है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हम बेज़र और मफीद और आसान तिब के लिए राह हमवार कर रहे हैं। और इसके अलावा मैंने जो दीगर कुश्ता जात तैयार किए हैं वो भी बूटियों में तैयार किए हैं, केमिकल से पाक, और जो हमने अलमास तैयार किया है इसका भी आप फॉरेंसिक टेस्ट करवा सकते हैं। और अब इसकी मैं मकदार ख़ुराक और इसके चंद फ़ायदे दर्ज करूँगा। इसकी मकदार ख़ुराक अगर इसी तरह भी देने चाहें कोई नहीं तो दी जा सकती है, कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अब वो बात भी दफ़ा कि हीरा खाने के लिए 40 साल की एज दरकार है और उसके लिए मनों के हिसाब से दूध दरकार है, वो भी बात ख़त्म हो चुकी है। इसको आप आधा किलो दूध से भी इस्तेमाल कराएंगे तो ये नुकसान नहीं देगा, फ़ायदा देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चंद ही खुराकों से बंदे के उजलात और असाब को तकवीत देकर जिसम में जो है ताकत पैदा करता है। और इसके दीगर मसाइल दीगर इसके फ़वाद जो हैं वो भी चंद एक अर्ज़ कर देता हूँ। ये शुगर के लिए इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, लोगों की रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं और उनके रबता नंबर भी हैं और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे अवेलेबल हैं अगर कोई दोस्त देखना चाहे जिनको हमने ये किस्ता इस्तेमाल करवाया। और कुछ लोग विटनेस के तौर पर इधर इसी मजलस में भी मौजूद हैं जिनको हमने एक एक डोज दे के इसके रिज़ल्ट लिए हैं, ठीक है जी। और इसका आगे जो हम मरकब तैयार करते हैं उसके अजाब में शेयर कर देता हूँ। 1 ग्राम अलमास में हम 2 तोले ज़ाफ़रन कश्मीरी और 2 तोले मरवारी डालकर इसको अरके गुलाब से आशा में खरल करते हैं तो फिर इसकी मकदार खुराक बनती है 1 ता 2 चावल। और इसकी एक दिन में एक ही डोज़ काफ़ी है और हफ्ता 10 दिन में ये अपना काम मुकम्मल कर देता है और पहली डोज पे ही शुगर की गोली छूट जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब दोस्तों के सामने पेश कर दिया गया है जी, और इंशाल्लाह इसी तरह अब मैं अपना दूसरा कुश्ते का तारीफ करवाने जा रहा हूँ। जी जी सदीकी साहब आप इधर तशरीफ़ लें, इधर मेरी बात सुने। आपको जितने भी हमारे इसमें प्रोग्राम में शामिल हुए हैं ये सब मिलेगी, यूट्यूब पे मिलेगी सब। जो आप ये बना रहे हैं ना हमने आपको पहले ये वो चीज़ नहीं आई जो हम देंगे। ये वीडियो आपके लिए बन रही है, ये सारी ये जो कैमराज हैं ये आपके लिए लगे हुए हैं, वो पीछे बैठे हुए लोगों को देखने का मौका दें, बिला वजह यहाँ रश ना करें जी। अब हीरे के बाद जो दूसरा सबसे सख्त पत्थर है वो है अकीक। वो मेरा वर्कीय मशीन लेकर आ जाए, वो अकीक है। हीरे के बाद जो सबसे सख्त पाए जाने वाला पत्थर है वो अकीक है। जिस बूटी के अंदर मैंने हीरे को कुश्ता किया है वो है कादी दस्तार। ये माइक बंद हो गया जी जताला साहब, हेलो, ये माइक बंद हो जाता है। माइक जी अभी आवाज़ आ रही है जी। हीरे के बाद दूसरा जो सख्त तरीन पत्थर है वो है अकीक।
इसी को भी हमने इसी कादी दस्तार के नुक्दे में तैयार किया है। एक ही आँच में दोनों पत्थर रखे गए थे। हीरा भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने पेश है, ये अकीक भी फूल कर कुश्ता हो चुकी है और अपना उसका कलर भी आप देख सकते हैं और बिल्कुल सॉफ्टनेस भी इसकी चेक कर सकते हैं। और इसके फवायद मदरजा ज़ैल हैं, ये हड्डियों को ताकत देता है और जिस्म में जो अज़लात की पेन होती है, मोहरों की पेन होती है, उसके लिए मुफीद है। और जिन बच्चों के कद नहीं निकलते, ग्रोथ कम हो जाती है, उनकी कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए भी ये लाजवाब है। और मोरों की दर्द में ये आप 5 साल से 7 साल से लेकर जो बच्चा खाने पीने के काबिल हो 100 साल के बंदे तक दे सकते हैं और एक कप दूध के साथ दे सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसका कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है, ये नेचुरल कैल्शियम है जो आजकल हमको एक्स्ट्रा टैबलेट यूज़ करके जिसम अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए पूरा करना पड़ता है। जो बंदा ये खा लेगा उसको किसी एक्स्ट्रा कैल्शियम की ज़रूरत नहीं रहेगी। और जिनके मोरों की हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं जिसकी वजह से मोरों के मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो ये कुर्चा हम एक खुराक देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह को मरीज़ को पेन किलर छूट जाती है, बाकी इलाज बाद में कम्प्लीट करते हैं। और इसी तरह हमने कुश्ता नुकरा तैयार किया, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में चांदी, ठीक है जी। ये भी कुश्ता हो चुकी है सुर्ख कलर की और इसके फवायद भी मदरजा ज़ैल हैं कि इसकी मकदार खुराक भी एक चावल है। ये जिसमें RBC पैदा करती है, HB को पूरा करती है, उजलात को ताकत देती है और कुव्वत बा भी पैदा करती है और साथ साथ शुगर के लिए भी मुअस्सर है। ये भी हमने एक ही आँच में तैयार की है और शॉर्ट तरीके से तैयार की गई ये चीज़ें हैं जिनके लिए 1-2-4 घंटे में तैयार की जाने वाली चीज़ें हैं और बिल्कुल आसान तिब हमारा मकसद है जी। अस्सलाम वालेकुम। अगर बाकी दीगर कुश्ताजात हैं वो सदीकी साहब अपने कुश्ताजात के मतलब बताएंगे जी। अपना नाम बोलें पहले, पूरा तारीफ जी। कुश्ते का मोहम्मद यासीन सदीकी खानेवाल से, ये मेरा कुश्ता सब मरवारीदी है जिसको मुश्के काफूर के अंदर बनाया गया था, जो कि हर किस्म के घुटनों के मसाइल और कमर और गर्दन के मोहरों के लिए, जरियान हितलाम के लिए, लेकोरिया के लिए और ज़कावत हिस के लिए जो है बेहतरीन अक्सीर आज़म है। 2 चावल से 4 चावल इसकी खुराक है और ये कुदरती नामियाती कैल्शियम है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर इसको ज़्यादा भी खिलाया जाए तो कतअन कोई नुकसान इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये बड़ा बेहतरीन कुश्ता है, ठीक है। इसके बारे में अब्दुल साहब बताएं कहाँ टोडी खैर बता दी उनकी मरजान जो वाइट कलर का शगुफ्ता हो चुका है। जनाब ये कुश्ता मरजान अक्सीरी है जो कि गर्दन और कमर के मोहरों और घुटनों के गैप के लिए, ये भी अक्सीर आज़म है, बल्कि ये सदफ मरवारीदी से भी ज़्यादा इसका रिज़ल्ट है। और इसी के ज़रिए से मैं अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों का, कमर के मोहरों का इलाज करता हूँ, गर्दन के मोहरों का इलाज करता हूँ। और यही वो कुश्ता है कि जो बिस्तर पर लगे हुए लोग और कुर्सी पर लगे हुए लोगों को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 10 से 15 दिनों के अंदर उठा देता है और चलने लग जाता है बंदा। इसको पकड़ेंगे तो टूट जाएगा। इसकी खुराक भी 2 चावल से 4 चावल है और ये तकरीबन 3 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते खिलाया जाता है। अगर ज़्यादा शदीद तकलीफ़ हो तो इससे ज़्यादा भी खिलाया जा सकता है और ज़िमनन इसके असरात जरियान इहतलाम लेकोरिया के लिए भी हैं, सोकड़ा के लिए भी हैं, बल्कि कैल्शियम की कमी की वजह से कोई भी मर्ज हो उसके लिए ये बेहतरीन अक्सीर है। ये अकीक है, ये भी चेक कर लें पकड़ा मैडम ध्यान चुका बाबा जी ठहरो। तीसरा जी ये ले मैडम सीधा ही रखना जी जनाब। तीसरा मेरा कुश्ता सलाया, तीसरा मेरा कुश्ता हड़ताल वर्किया है। ये हड़ताल वर्किया को पहली बार शायद मैंने ही पताल जंतर के ज़रिए, जो मेरे भाई तारिक जवैद साहब ने जो है मशीन इजाद की है, जिसका नाम अभी कल ही बल्कि रात ही जनाब डॉक्टर हकीम
अली अहमद सुखेरा साहब ने तारिक जंतर तजवीज़ कर दिया है और रात से इन्होंने जो है इस पर बाकायदा PhD कराने की वो तहरीक उठाई है। तो इस मशीन के ज़रिए ये मैंने, बल्कि ये मेरे बेटे ने सबसे पहले ये मशीन 1.5 माह पहले वसूल की थी, फिर पिक ले ले और उस पर हमने तजर्बात शुरू किए। फिर उसके बाद लाहौर के अंदर जनाब सन्यासी तारिक जवैद साहब ने मुझे टाइम दिया, वहाँ एक डेरे पर हमने दिन रात इस पर कई कुश्तों की जो है मशक की, और उसके बाद मैं इसको घर खाने वाल में ले आया, और फिर मैंने एक हफ्ता इस पर रिसर्च की और सलाहिया अपना वर्किया को मैंने इस पर मुदब्बर करने की फिर चरख देने की कोशिश की। अब ये मेरे हाथ में वर्किया है जिसके उड़ने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, कहते हैं कि एक या दो उपले भी आग ज़्यादा हो जाए तो ये उड़ जाती है, और अगर आग कम रह जाए तो ये मुदब्बर नहीं होती, ये चरख नहीं खाती है, ये बिल्कुल खाम रह जाती है। लेकिन इस तारिक जंतर मशीन के ज़रिए से मैंने इसकी आग को ऐसे सेट किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 घंटे के अंदर बेहतरीन वर्किया जो है वो तैयार हो चुकी है। लेकिन अभी जो मेरा ख़ास अक्सीरी अंदाज में इसको इस्तेमाल करने का तरीका है वो ये है कि इसको आप जो है खरल करें, और खरल करने के बाद 4 या 5 मेरी तरकीबें हैं मुख्तलिफ, जिनको मैं अमराज के लिहाज से मिजाजी एतबार से इस्तेमाल करता हूँ, और इसके अंदर सबसे बड़ी तदबीर मेरी जो है वो ये है सलाइयाँ बनाने की कि आबे लहसुन के अंदर इसको खर करता हूँ, और ये अक्सीर आबे लहसुन वाली हर किस्म की ब्लॉकेज और क्लाट के लिए, ब्लड सर्कुलेशन की अंदर रुकावट के लिए, और इसी तरह जो है पूरे जिस्म के अंदर कहीं भी ब्लॉकेज हो, चाहे वो शुगर की वजह से हो, चाहे किसी और की वजह से हो, चाहे वो असाबी मिजाज में हो, चाहे मुखाती मिजाज के अंदर हो, चाहे अजलाती मिजाज के अंदर हो, चाहे वो कशरी अजलाती मिजाज यानी गुद्दी अजलाती मिजाज के अंदर हो, आप मज़े की बात ये सुन लीजिए कि ये तीनों मिजाजों पर पूरा पूरा काम करती है, बल्कि चौथे मिजाज पर भी अगर कोई इसको समझ बूझ के साथ इस्तेमाल करे तो ये बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। और ज़िमनन इसे मैं जो है गर्दन और कमर के मोहरों के इलाज के अंदर भी इस्तेमाल कराता हूँ, क्योंकि उसके अंदर भी ब्लॉकेज का मसला होता है। एक वक्त मैं मरजान अक्सीरी मरवारीदी देता हूँ, ये इसमें लीड लग जाए, डॉक्टर थोड़ा बनिए।